सेंट वी का नेक्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट दिखाई दे रहा है क्या? बहुत बढ़िया काम हो गया, जबरदस्त काम है। आप hey no me don't stop only help a real cause hood legend on some park manifest it till I'm living large high balling cause the sky falling I'ma catch a little piece though I ain't worried about your little No, she easy as a free throw. She wanna hold me like. जब हमने टाटा एक्सा को ऑरेंज पेंट किया था तो बहुत लोगों ने बोला था उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए, पर कुछ रीजंस की वजह से हम बना नहीं पाए थे। पर आज वैसा ही एक अमेजिंग प्रोजेक्ट हमारे पास आया है इस Hyundai Santa Fe का, जिसपे हम करने वाले हैं McLaren का Azores Orange। इस गाड़ी पे ये कलर बहुत ही शानदार लगने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये कलर इस गाड़ी पे कैसा लगा। वेलकम टू ब्रोटो मोटिव। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले बात कर लेते हैं आज के वीडियो के स्पॉन्सर की। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बूडमो। बूडमो आर द ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स। आप boodmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स घर बैठे खरीद सकते हैं। बूडमो हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटलॉग्स फॉर स्पेयर पार्ट्स, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। बूडमो अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10 डे की अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी भी ऑफर करता है। You can check out their website and also download their app. It's available on Android and iOS both. जब एक क्लाइंट अपनी Santa Fe हमारे पास लेके आए थे तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी और उनका एक ही कहना था, मुझे मेरी गाड़ी एकदम डिफरेंट बनानी है। उन्होंने हमारा बलेनो का वीडियो देखा था जिसमें हमने बलेनो को कैंडी रेड में पेंट किया था, तो उनके दिमाग में एक वो कलर था। तो इन्होंने सर्च किया तो मुझे लिंक भेजा, मैंने पूरी गाड़ी देखी और मुझे वो अभी अंकल ने बोला ना कैंडी रेड मुझे पसंद था, लेकिन क्या है कैंडी रेड किसमें अच्छा लगे, छोटी गाड़ी को अच्छा लगे। पर यहाँ आने के बाद हमारी टीम ने उनको बोला कि एटलीस्ट आप सारे बाकी के कलर ऑप्शंस भी देख लो, शायद आपको कोई और अच्छा लग जाए। जब उन्होंने कलर सैंपल वॉल देखी तो उनका इंटरेस्ट ऑरेंज में जागा और जो कलर उन्होंने चुना वो था Azores Orange, जो कि McLaren का कलर है। अब होता क्या है, हाई एंड कार मैन्युफैक्चरर्स जब अपनी गाड़ी बनाते हैं तो उनका भी एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमने कुछ ऐसा कलर करना है कि गाड़ी अलग से दिखे। तो एज अ व्यूअर आपको लगता होगा कि ऑरेंज कलर तो ऑरेंज कलर है, सब एक बराबर है, बट ऐसा होता नहीं है। कलर्स जो बनते हैं वो पिगमेंट से बनते हैं और पिगमेंट्स की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कलर का फिनिश किस तरीके का आएगा। तो अगर आप वैगनआर पे ऑरेंज देख रहे हो वर्सेज आप अगर लैम्बोर्गिनी में ऑरेंज देख रहे हो तो दोनों में जो पिगमेंट्स यूज हुए हैं वो बहुत अलग है, कलर भले ही ऑरेंज हो तो भी। अच्छा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें गाड़ियों की कंडीशन अच्छी हो। क्या होता है, काम करने में मज़ा भी आता है और बहुत ज़्यादा मतलब थकावट भी नहीं होती टीम को, क्योंकि सारा मेहनत बेस वर्क में ही है। गाड़ी की बॉडी का शेप अगर बहुत ऑफ रहेगा तो पुट्टी वर्क करना और उसको सैंड करने में जान निकल जाती है और कंधे तो पूरे टूट ही जाते हैं। तो जब ऐसी कोई गाड़ी आती है जिसमें बेस वर्क का काम रिलेटिवली कम होता है तो हमारी टीम को भी काम करने में मज़ा आता है, साथ ही साथ बॉडी की फिनिश भी जेन्युइनली बेटर आती है। एक बार जब उन्होंने एज़ोरेस ऑरेंज देखा तो उन्होंने बोला अब मैं करना है तो यही कलर करूंगा। प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि उसके टेंटर्स ज़्यादातर इंडिया में लगते नहीं हैं। अब कितनी मैक्लेरन इंडिया में बिकती होगी कि एज़ोरेस ऑरेंज का कलर बनाना पड़े। तो हम लोगों ने स्पेशली उसका टिंटर मंगवाया और उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ा। जब वो टिंटर आया हम लोगों ने सैंपल रेडी किए एंड मेरा दिमाग घूम गया एंड फिनिश देख के। कलर इतना प्यारा लग रहा था सैंपल पे कि मेरा मन कर गया था कि और दो चार गाड़ी भी इस कलर में पेंट हो जानी चाहिए। जब भी हम ऐसा कोई हाई एंड कलर बनाते हैं या फिर टिंटेड क्लियर वाला कलर बनाते हैं या कोई ऐसा कलर बनाते हैं जिसमें स्पेशल पिगमेंट्स जाने वाले हैं तो उसका कलर कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाता है। इस केस में एज़ोरेस ऑरेंज भी एक स्पेशल कलर है। हमारे जो पेंटिंग के चार्जेस रहते हैं उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड हो जाते हैं बिकॉज जो रॉ मटेरियल है इस कलर का वो एक्सपेंसिव पड़ता है। मैंने ये वाली सैंटा फी चला के भी देखी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी स्पेशियस है। मेरा एक सेकंड के लिए मन किया कि एक आध हम भी देख लेते हैं तो मैंने OLX पे रेट भी ढूंढ लिए थे तो 8 से 10 लाख रुपए में मिल रही थी। आई थिंक इस साइज़ की गाड़ी जो कि काफ़ी डिसेंट माइलेज देती है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है वो 8 से 10 लाख रुपए में बहुत ही बढ़िया बाय है। मैं नहीं खरीद पाया तो कोई बात नहीं, आप खरीद सकते हो और ख़रीदने के बाद अगर आपका भी मन हो तो हमारी वर्कशॉप में लाके उसे पेंट करवा सकते हो। इस प्रोजेक्ट में हमने दो चीज़ थोड़ा डिफरेंटली करने का सोचा। पहला जो था वो था अलॉय व्हील का डिज़ाइन। हम लोगों ने सोचा कि डुअल टोन में अलॉय व्हील को पेंट करते हैं, सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। ये हमें पता नहीं था, ये हम सिर्फ अज्यूम करके चल रहे थे क्योंकि जब प्लानिंग चल रही होती है तो इसी तरीके से होती है। कभी भी पहले मालूम नहीं होता कि ये एक्चुअली गाड़ी पर दिखने कैसे वाला है, करने के बाद ही पता चलता है। हम लोग खाली थोड़ा सा उसको दिमाग में इमेजिन करके खुश हो लेते हैं। और दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि नीचे के जितने ट्रिम्स हैं सैंटा फी में, जो कि क्रेटा में भी आते हैं, ट्यूसॉन में भी आते हैं और बहुत सारी अलग गाड़ियों में आते हैं, ये यूजुअली मैट ब्लैक में आते हैं। हम लोगों ने सोचा कि इसको भी अच्छे से सैंड डाउन करके ग्लॉस ब्लैक में पेंट कर देते हैं तो ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखेगा। आप में से अगर कोई ये वीडियो देख के सोचता है कि मैं मेरी SUV के भी ट्रिम्स ग्लॉस ब्लैक में पेंट कर लेता हूँ तो आप जब भी अपने पेंटर के पास पेंट कराने जाओ तो प्लीज़ ये ध्यान रखना कि वो पैनल्स अच्छे से सैंड डाउन हो जाए क्योंकि नीचे के जितने ट्रिम्स रहते हैं ना वो बहुत खुरदरे रहते हैं, बहुत रफ रहते हैं। उस पर अगर प्राइमर मार के डायरेक्टली पेंट किया जाएगा तो इतनी हैवी ऑरेंज फील आएगी कि वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो प्राइमर और पेंट करने से पहले वो पैनल को सैंड करके पूरा फ्लैट आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि हमने इंटीरियर मॉडिफिकेशन का काम तो पूरा बंद कर दिया है बट सीट कवर्स एंड ऑल हम अभी भी करते रहते हैं। इस गाड़ी के इंटीरियर में हमने इसी तरीके का कुछ डिज़ाइन सोचा कि क्योंकि बाहर का एक्सटीरियर ऑरेंज कलर में है तो क्यों ना इंटीरियर में भी उसको किसी तरीके से यूज़ किया जाए। ब्लैक सीट कवर्स विद ऑरेंज या आप उसको टैन भी बोल सकते हैं, उस तरीके की स्टिचिंग के साथ हमने सीट कवर्स किए हैं इस गाड़ी में। आई थिंक वो गाड़ी के एक्सटीरियर लुक को काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नमस्कार सर। सर थैंक यू सर, सच में आपने इतनी अच्छी कार बनाई है। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ सर। अच्छा काम हो गया सर, बहुत खुश हूँ। Hyundai का Santa Fe का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं अभी से इनको सबको बोल रहा था कि हमने पुरानी कार दी थी, इन्होंने नई कार दे दी। इनको कैसे सोच में आता है कि पुरानी को नई करके दे रहे कस्टमर। नहीं आप खुश हो सर हमारे लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी लगी गाड़ी। इससे बड़ी बात को मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि जिसकी भी पुरानी कार होगी ना 5-6 साल पुरानी, तो सर के पास आ जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया कार आपको एक कलर और इंटीरियर करके मिल जाएगी। मैं खुश हूँ और मेरी तरह आप भी खुश रहो। मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करने में बहुत मज़ा आया और मैं हमेशा अपने वीडियोस में बात बोलता हूँ कि हमने इमेजिन नहीं किया गाड़ी ऐसी निकलेगी, ऐसी हो जाएगी, बट मैं सच्ची बोल रहा हूँ। जब ये गाड़ी रेडी हुई उसके बाद वो जो ऑरेंज कलर का फिनिश था ना, मेरा दिल खुश हो गया वो देख के। और क्लाइंट भी जब वर्कशॉप में गाड़ी लेने आए तो उनसे भी बिल्कुल रहा नहीं गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये ऑरेंज कलर आपको गाड़ी पे कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ब्रोटो मोटिव।